कम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। नोनी भी सोई हुई है, गौरी भी सोई हुई है, तनु अभी है नहीं, तनु गई हुई है बाहर। तो गौरी की तबीयत दोबारा, आप लोग पूछ रहे थे कि अब ठीक है कि नहीं। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, लेकिन गौरी को आज फिर से फीवर है, हल्का सा फीवर है। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, उसको गर्मी लग रही है ये क्या, वो उसको नहीं, यहाँ पे पूरा रेड हो गया है। यहाँ उसने खुजली करी, पूरा रेड हो गया यहाँ पे, खुजला खुजला के हल्का सा ब्लड आ गया। कान में भी खुजली करी इवन वो, मैं उसको ना सबसे अच्छा मुझे लगता है कि सरसों के तेल से बिल्कुल ठीक हो जाता है। शुरू से ही कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो मैं सरसों का तेल लगाती हूँ उसको, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी भी कल से मैं वही कर रही हूँ, नारियल का या सरसों का लगाने के लिए। या तो हो सकता है ना मैं उसको ऑलिव ऑयल से मसाज करने लग गई हूँ, उसकी वजह से उसको गर्मी हो रही है। आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं विंटर में ना लास्ट ईयर मैंने उसकी बादाम रोगन से या ऑलिव ऑयल से, दोनों से मैंने मसाज की थी, लेकिन मैंने करी थी दिसंबर से शुरू, और इस बार मैंने अभी से कर दी। तो मुझे लग रहा है कि उससे गर्मी हुई है उसको, हालांकि अभी ठीक है, लेकिन वो कोल्ड और हल्का फीवर फिर लग रहा है मुझे। ना कैप लगाती है ना सॉक्स, सॉक्स पहनती है, रेगुलर पहनती थी, आज वो भी नहीं पहन रही है। बस निकालो उसको, निकालो और नंगे पैर घूमना है। शाम के 7 बज रहे हैं और 4 बजे से वो सोई हुई हैं। अब जस्ट मैं उसके पास से उठी हूँ 15-20 मिनट पहले, कि थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। गौरी आजकल अकेले नहीं सोती है, उसके पास में लेटे रहो, सोई रहेगी आराम से, और फिर मुझे ये लगता है कि यार सोने दो, क्योंकि उसकी नींद पूरी होनी ज़रूरी है। रात को भी वो ऐसी रहती है, अब तबीयत ठीक ना होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। हल्दी लगी थी मेरी रात पे, देखो। और आप लोग पूछ रहे थे कुकर के बारे में, तो मैं ना ये वाला कुकर जो मुझे गिफ्ट में मिला था ना, मैं दिखाती हूँ, तो ये ना मैं चेंज करके ले आई थी, और चेंज एक्चुअली जो पहले वाला जो मुझे गिफ्ट में मिला था उसका मैंने अपमान नहीं किया है, सोनी ही देखेगी वीडियो। एक मिनट में खोलती हूँ जी। तो मैंने खोल लिया है, और हाँ नोनी की तबीयत के बारे में तो बताया मैंने आपको ना, तो नोनी को थोड़ा ठंड लगी है और सोई हुई है सुबह से, उसने कुछ नहीं खाया है आज, एप्पल भी नहीं खाया। डेली एप्पल खाती है वो गौरी के साथ में, दोनों खाती हैं, लेकिन आज नहीं खाया है नोनी ने, और लेटी हुई है वो आराम से। तो मैंने उसको ब्लैंकेट अभी अपनी जगह पे लेटी हुई है, आजकल वो चेयर पे भी बैठती है, लेकिन चेयर पे ना शायद पता नहीं क्या हो गया, उसको गर्माई नहीं आ रही है, तो आज वो अपने वहाँ बैठी हुई है। खाना दिया था थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का खाया है, अब दूंगी मैं उसको। वैसे दुकान पे जाना है तो मैं दे करके जाऊंगी। तो ये वाला कुकर मैंने ले लिया है चेंज करके, विनोद का है, और इसमें ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको ना, मतलब वो वाला नहीं है जैसा पहले था ना मेरे पास में, मैं भी बोल रही हूँ इसको ना, जब भी चेंज करके ले आई थी। ये इसका ढक्कन है, ये बहुत हैवी है, और इसकी रबर जो होती है वो इस तरीके की होती है, जो ब्लू कलर की रबर आप लोगों को दिखाई दे रही है ये। और इसका जो कुकर है ना वो, मतलब मुझे नीचे का ये देखो, ये बहुत अच्छा लगा। ये फ्राई पैन की तरह यूज हो सकता है और छोटा है। पहला जो उन्होंने मुझे दिया था वो 3.5 लीटर का था, लेकिन मुझे वैसे वाला नहीं चाहिए था। इवन मैंने उसको बोला, मैं अपनी फ्रेंड को, कि तू वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए, वो तू यूज कर लेना, क्योंकि उसको भी चाहिए था। लेकिन उसके बाद में ना मैं खुद चेंज करा करके ले आई थी, मैंने उनसे बिल ले लिया था, और जहाँ पे ये मिलते हैं ना, जहाँ से वो लोग ले करके आए थे ना, वहीं से मैंने चेंज कराया। तो ये है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ उसको अच्छे से। ये जो है मेरा 2-in-1 रहेगा, और दोनों काम में आएगा। ये फ्राई पैन में मैं यूज कर सकती हूँ, छोटा है ये, 2 लीटर का है, और ये हमें पड़ा है 3080 MRP है, और ये 2700 समथिंग का कुछ ऐसी पड़ा था। हाँ बिल अब मेरे पास में नहीं है। और इसका जो ढक्कन है ये है, और ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये बता रहे थे, इसमें ना जैसे कुकर में फटने का डर रहता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। हम लोग यही ढूंढ रहे थे, और जो मुझे पसंद आया था 1.5 लीटर का था, वो 4500 के करीब का था, लेकिन वो नहीं लिया हमने, यही वाला लिया। उसमें ना कुछ और चीज़ें थी, एक्स्ट्रा कुछ और था उसमें, तो इसलिए मना कर दिया कि मुझे ज़रूरत ये थी। गौरी के लिए थोड़ा बहुत दलिया बनाना होता है, खिचड़ी बनानी होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, और फटने का डर नहीं होता है। वो बोल रहे थे कुछ कि इसमें जो है ना यहाँ से गैस निकल जाती है, और जैसे उसमें ये जो दूसरे कुकर होते हैं वो
यहाँ से पीछे लॉक होता है, इसमें लॉक नहीं है, साइड से खुलता है। अभी मैंने यूज नहीं किया है एक्चुअली, आप लोगों को दिखाना था तो तब से मैं इसको ऐसे ही रखी हुई थी। और ये कल मुझसे बोल भी रहे थे कि भाई तेरी वीडियो बन गई हो तो कुकर निकाल ले, लेकिन ये भारी बहुत है। और जो 4,500 का हमने देखा था ना, वो इससे भी वो 4 गुना भारी था, 1.5 लीटर का, लेकिन भारी ऐसे था बस उसमें क्या ईंट पत्थर भरे हुए हैं। बस इसी वजह से भी मैंने मना कर दिया था, इनका लेना नहीं है। तो ये वाला तो अभी मैं बॉक्स हटा दूंगी। यहाँ पर कुकर मैंने निकाल लिया है, अब इसको यूज करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। खैर अभी तो नहीं, मेरा फोन हिल रहा है, हाथ भी दुख रहा है और धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो गौरी है ना वो सोई हुई है। तो एक चीज़ और पूछनी थी आप लोगों से, मेरे को ना स्मूथनिंग कराने का मन है लेकिन सब मना कर रहे हैं। एक पार्लर वाले से भी पूछा, मैंने मना किया क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बहुत हल्के हैं और उसके बाद में ना आपको पूरा टाइम देना होगा, सब कुछ चेंज हो जाता है ऐसा है, तो प्लान थोड़ा सा कैंसिल है, लेकिन आप लोग बताना और मैं नोनी से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। एक मिनट ना, छोटा बच्चा अभी परेशान। नोनी नोनी गुस्सा नहीं करते बेटा, माँ नोनी ने मम्मा को गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं आपको हटा थोड़ी ना रही हूँ, यहाँ से ऐसे गुस्सा करते हैं वो। यार गुस्सा इसलिए थोड़ा सा करी, तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको लगा कि मैं उसको हटा रही हूँ यहाँ से। देखो अब नहीं कर रही मैं बेटा, क्या हुआ नोनी, क्या खाएगा सोना, तो चलिए नोनी के साथ में हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे हम आप लोगों को। नहीं अभी तो हमारा ब्लॉग बाकी है, अभी कैसे, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है नोनी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ठीक है बाय, सो जाओ आप, गुस्सा नहीं गलते बेटा, बहुत प्यारा बेटा है मेरा तो, सो जाओ, निन्नू आला है ना। शाम का टाइम मैं कटहल बनाने जा रही हूँ, सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे का टाइम है, शाम का टाइम नहीं है। और माफ़ी चाहूँगी, गौरी से नहीं मिलवा पाई हूँ क्योंकि गौरी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। और जब वो ठीक नहीं रहती है तो वो गोदी में ज़्यादा आने की कोशिश करती है, तो वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पर कटहल बनाने जा रही हूँ मैं, और तेल मैंने रख दिया, कटहल मैंने पूरा साफ करके रखा हुआ है लॉकडाउन से अब जाकर, लॉकडाउन से भी बहुत पहले का खाया हुआ है मैंने कटहल, और कटहल मुझे बहुत पसंद है, ये भी खा लेते हैं। लेकिन इस बार कटहल क्या हुआ, तनु ने तो खाया ही नहीं, तनु को नहीं पसंद है, और इस बार ज़्यादा बन गया, हर बार मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ दो टाइम, लेकिन मैंने ना इसको दोपहर को खाया और रात को नहीं खाया क्योंकि बस मुझे गौरी के लिए डर था कि मैं ये खाऊँ और उसको नुकसान ना कर जाए। तो एक तरफ चाय बनी हुई रखी थी तो वो उसमें मैंने काढ़ा बनाया था, इसलिए वो थोड़ा सा लग रहा है उधर की तरफ। और ये कटहल जो है मैं फ्राई कर लूँगी पूरे को, पहले इसी में तेल में ना हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा और उसके बाद में मैं इसको बनाऊंगी। तो सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है, मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ। फ्राई करने के बाद में इसमें जो ग्रेवी डालती हूँ वो लहसुन की, प्याज, मिर्ची, अदरक और टमाटर, ये सब पका करके फिर उसके बाद में इसको पकाती हूँ और हल्का सा पानी डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं डालती हूँ तो क्या होता है ना वो थोड़ा सा सूखा सूखा बनता है, इस वजह से मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। और मेरा काढ़ा भी बन के तैयार हो चुका था, उधर तनु के लिए चाय बन रही है, तनु को चाय पीनी थी, बोल रही थी मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो, मैंने कहा ठीक है, काढ़ा तो सुबह होता ही होता है हम लोगों का, और वो वाला फ्राई कर लिया, इसलिए इसमें मैं तेल कम डालूंगी क्योंकि उसमें भी तेल जो है ऐड हो चुका है। जब ज़्यादा तेल हो जाता है ना फिर वो बहुत ही अजीब सा लगता है। हींग मैंने डाल दिया है, प्याज यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें, और साथ में मैं हरी मिर्ची डालूंगी, भूल गई थी मैं डालनी, पहले ही पका लेती हूँ मैं उसको, ये थोड़ा थोड़ा पक जाएगा, जब भी प्याज पकने लगेगी तब अपने टमाटर और लहसुन की ग्रेवी जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो मैं दोबारा बोलूँगी, गौरी के चैनल पे गौरी को नहीं दिखा पाई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हाँ जैसे ही वो ठीक हो जानी है फिर मैं आप लोगों को उसकी वीडियोज़ दोबारा से दूंगी। और जो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरीके से ये धीरे 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 करके पक जाएगा, जब प्याज पकेगी इसके बाद में टमाटर ऐड करेंगे। सुबह के टाइम में ही मैं ये वाली सब्ज़ी तो अक्सर सुबह ही बनाती हूँ क्योंकि रात में तो ये बहुत हैवी हो जाती है, सुबह रहती है तो ठीक रहती है, पूरे दिन के लिए डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से,
अदरवाइज फिर रात को नहीं खाई जा पाती है, बहुत हैवी हो जाती है। और मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया इसमें मैं ऐड कर दूँगी। नमक से जल्दी से टमाटर पक जाते हैं इसलिए मैं नमक पहले ही ऐड कर देती हूँ। गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सबका तरीका, मैं फिर से बोल रही हूँ, अलग अलग होता है बनाने का। लेकिन आजकल के जो टमाटर मुझे लग रहे हैं ना, वो मतलब बहुत अच्छे से ग्रेवी नहीं बन पाती है। अदरवाइज जो टमाटर बिल्कुल रसीले से आते हैं ना, वो वाले मिले नहीं थे हमारे यहाँ पे, मार्केट भी नहीं लग रही है, इस वजह से भी नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ पे हल्का सा मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें। पानी ऐड करने के बाद में ग्रेवी थोड़ी सी अच्छे से पक जाएगी और अच्छी सी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये पक चुकी है। और इसके बाद में मैं इसमें कटहल ऐड करूँगी और ढक कर के रख दूँगी। जब हम पहले कटहल फ्राई कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर तो वो बहुत आराम से पक जाता है। और कुछ लोग बनाते हैं उसको कच्चे को ही इसी तरीके से सब्जी ग्रेवी के साथ में ऐड करते हैं, वो भी बन जाती है, कहते हैं वो भी टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है वो वाला, देखती हूँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। इसको अभी पकने दे रही हूँ मैं उसको, और उसके बाद में इसको ढक के रखेंगे। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसको भी मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इसी पे ही रेगुलर आपको ब्लॉग मिलेंगे, तो इसी पे ही कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय। और दोनों की तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा।